बेटा ऐसी बातें ना करा करो यूट्यूब पे, मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ जाता बेटा। ये रे मैं नाइस पे गाड़ी के टायर खुल रहे हैं बेटा। बेटा व्हाट इज दिस? क्लाउडी नाइट्स। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई आज लोग आप सोच रहे होगे इतना तैयार शैर होके कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी देखी देखी लग रही होगी होंडा सिटी ठुकी हुई। अब नहीं है। अब ये लग रही है भाई जाने वन अपनी। भैया ने पूरी गाड़ी तैयार करवाई है इसकी, तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। लोग कैसे कैसे देखो, ये देखो लॉकडाउन तो घंटा नहीं चल रहा मुझे लग रहा है, ब्रेक डाउन चल रहा है। ट्रैफिक ऐसे कुत्ते तरीके से आ रहा है। सो भैया अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम इसके अंदर एक और सोना लगाने जा रहे हैं। भाई गाड़ी की लुक आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा सॉरी, क्योंकि भाई अभी इतनी को भी सरप्राइज देना है। और सबसे पहले अभी इसमें अलॉय टायर डल रहे हैं, गाड़ी तैयार हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं अलॉय टायर डलवाने, सस्ते बढ़िया जबरदस्त। और दुल्हन तैयार हो चुकी है, दुल्हन को अब हम गहने पहनाने चूड़ा। तो भैया कहाँ चल रहे हैं बताओ? अब हम जा रहे हैं सीधा बुरान भाई के पास हम जा रहे हैं अलॉय टायर डलवाएंगे हम इसके अंदर 17 इंच हम, और शीशे कराएंगे जेट ब्लैक, अभी जेट ब्लैक भी होनी है। और सबसे पहले चलते हैं बुरान भाई के पास, वेट कर रहे हैं हमारी है ना भैया, काफी टाइम हो गया। तो अभी 2 बज गए भैया, कितना टाइम हुआ? अभी ढाई बज चुके हैं। वो दुकान पे आ चुके हैं, उनका फोन आ गया है कि भाई आ जाओ अलॉय टायर पसंद करो लगाओ और जाओ। सो भाई अभी इतनी का भी रिएक्शन देखना क्योंकि उसने अभी तक गाड़ी नहीं देखी, गाड़ी मेरे पास कल ही आ गई थी तैयार होके। तो अभी इसके अंदर स्टीयरिंग कवर वगैरह सीट कवर रहते हैं और जेट ब्लैक शीशे रह गए, और इसमें अलॉय टायर जो सबसे पहले काम है हमारा अलॉय टायर का, वो बुरान भाई पे हम जा रहे हैं। तो चलते सीधा बुरान भाई पे। एक्सपोज बहुत चल रहा है अब, ये इस आदमी को भी ना मुझे लगता है एक्सपोज करना पड़ेगा है ना। ये आदमी सारा दिन बोलता है पैसे नहीं है भाई, काम नहीं है भाई, कुछ करा दो है तेरी। अब भैया क्या बताऊं, आप ऐसे काम क्यों करते हो? नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अब इन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू करा, स्कूटर के अंदर आगे 26 इंच का रिम टायर डालना है, स्कूटी चॉपर अब वो भी बनानी है, मतलब छह नहीं है आपको, अब इसमें कुछ करवा दो। अभी जा तो रहे हैं इसको सजाने जा रहे हैं भाई, दुल्हन को सजाने जा रहे हैं, पटेल नगर पहुंच गए है ना। चलो यार चलो, इस बंदे को एक्सपोज एक ना एक दिन जरूर करेंगे, ऐसे एक्सपोज करेंगे ना ये बंदा हैरान हो जाएगा, चुप चुप के वीडियो बनाऊंगा मैं आए है तेरी। अब भूसा भैया, अगर आप लोगों ने भूसा अगर देखनी है ना कि कस्टमाइज पेंट क्या होता है, सामान कितना लग सकता है भूसा में, व्हीली स्प्रॉकेट ये वो, अगली वीडियो में आएगा सब कुछ है ना, सून टू बिकम। फाइनली पहुंच चुके हैं बुरान भाई की दुकान पे जो कि करोल बाग है, जगह आपको दिखाया था। और आते ही मतलब आपकी कुछ ज्यादा ही करते हैं, आते ही गाड़ी के टायर ही खुलवा दिए, अभी गाड़ी खड़ी करी गाड़ी के टायर भी खुल गए, एक बार देखो गाड़ी के टायर खुल रहे हैं। गाड़ी अभी पूरी कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ टायर दिखाऊंगा, टायर की हालत देखो, ये देखो इसमें अभी सुबह ट्यूब डलवाई है क्योंकि टायर सुबह खराब हो गया था, तो ट्यूब डलवाई है इसके अंदर है ना भाई। करो भाई करो शुरू करो। तो ये अभी टायर जैक पे चढ़ेगा एंड फिर टायर आ रहे हैं अपने अभी। बेटा व्हाट इज दिस बेटा, कोरोना में भी चैन नहीं है, इट्स कोरोना टाइम। ओ बेटा करो ना बेटा, इसके अंदर 17 इंच रिम चाहिए मेरे को, 17 इंच बेटा आज रिम डलेंगे, दुल्हन तैयार हो रही है। यहाँ पे क्या हो गया, ये नट खराब निकल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये नट अभी चेंज होने वाले हैं। तो कितने सी पीस मंगाने हैं इसके 16 पीस आएंगे भैया को तो पता है, 500-550 रुपए की आएगी ओरिजिनल वाले। तो भाई ओरिजिनल ही लगाने, नट तो ओरिजिनल चाहिए, और नट गाड़ी में नट भी बड़े खराब हुए पड़े हैं, इतनी खड़ी थी ना इस टाइम से है भैया, बहुत पैसा लगवा दिया यार आपने, तो भाई चीज इतनी तो महंगी थी यार, बुलबुल का बच्चा बन रहा है, बुलबुल का बच्चा तो क्या करेगा, हंस की चाल चल रहा है। लग रहा है रेग मार, वो किस लिए लगा रहे भाई? पेंट के लिए तो यहाँ पे ड्रम जो हमने कलर करने रेड। यस बेटा, बेटा ऐसी बातें ना करा करो यूट्यूब पे, मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ जाता बेटा। बेटा अब इसको कलर रेड कराने,
लो भाई रेड पेंट भी आगे दिखाइयो भाई कौन सा। हाँ जे बात बच्चे, अब यहाँ पे पेंट होगा बेटा, ये देखो तेरी ड्रम पे ना कलर हो रहा है रेड कलर, तो इसलिए क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है जब आप बड़े अलॉय व्हील्स डालते हो तो अंदर से ड्रम थोड़ा सा जंग भी लगवाता है, तो एक बार मार के फिर उसके ऊपर पेंट हो रहा है वो वहाँ पे। एंड अलॉय व्हील्स अभी बुरान भाई लेके आ रहे हैं, पसंद करते हैं कौन से अलॉय व्हील्स हैं, 17 इंच डालने हैं वैसे तो इसके अंदर, और टायर साइज भी अभी पता नहीं है, तो टायर तो मेरे हिसाब से तो पीछे स्टैगर डलेगा। हाँ बेटा पीछे स्टैगर डालने हैं, बेटा की आवाज़ ही नहीं निकल रही बेटा, क्या बोल रहे बेटा, पीछे व्हील्स डालने बेटा, बेटा स्टैगर डालेंगे और बहुत तगड़े डालेंगे, तगड़े व्हील्स डालेंगे। बुरान भाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रेड हो चुका है प्रॉपर अच्छे से, एंड लो भाई वो गाड़ी भर के रिम आया भाई, गाड़ी भर के रिम आ रहे हैं भाई आज, और यहाँ पे रेड हो गया। आओ भाई आ चुके, ये देखो पीछे रिक्शे भर के है, गाड़ी भर के अलॉय व्हील्स उतर रहे हैं, इतने डिजाइन आ चुके हैं। वो देखो मर्सिडीज को भी, अभी मर्सिडीज का भी रिम दिखाता हूँ। आओ वॉशन है, ये बॉसन के ओरिजिनल ओरिजिनल रिम है, 20 इंच है ना भैया, ये 20 इंच, तो 20 इंच रिम है ये, और अभी गाड़ी में से सामान उतर रहा है दबा के है बेटा। आओ आओ हमारे भी रिम आ गए बेटा, देखो हमारे डब्बे उतर रहे हैं, ये डब्बे उतरते हुए। पंचर एक बार ही चेक हो रहा है कि कोई बाथटब के अंदर नहा रहा है, टायर मेरा अच्छे से है भैया, बिल्कुल भाई एक बार ही चेक ले रहा है, स्विमिंग के मजे ले रहा है भाई पूरा, तो हम साफ चीजें पहनाते हैं, एक बार ही डले तो सही। अब हमने इस दुल्हन के अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर डाले हैं, और टायर हल्के से यूज है लेकिन बिल्कुल मिंट कंडीशन के हैं। हाँ, और जो टायर साइज है वो है 215/45/17, तो एक बार फिट करते हैं, लुक देखते हैं एक बार, देखो यार लुक नाइस भाई, एक बार कमेंट करके बताना कैसी लुक आ रही है, एक बार भैया साइड पोस्ट हो जाए। बुरान भाई आ चुके हैं और अपना 3 अलॉय व्हील्स और 3 टायर भी लिया है, अब आगे का टायर फिट हो रहा है, दूसरा भी टायर आ गया, पीछे का धड़ाधड़ टायर आ रहे हैं, फिट हो रहे हैं, एक बार फिटिंग देखो, और अलॉयज बहुत सेक्सी लग रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, इतनी ने अभी तक ये गाड़ी नहीं देखी, उसका रिएक्शन मेरे को देखना। फाइनली रिम जो कि है 4 सीरीज का MTW, एंड कैलिपर पेंट हो चुके हैं, गाड़ी इतनी बढ़िया लग रही है ना, अलॉय डेली खुश हो गया, जेट ब्लैक शीशे करा ले, क्रोल बाग में तो हुए नहीं, इनको काम है ना, बड़े आदमियों को काम है, ये कहते भाई अभी मेरे को पहले घर छोड़ दे, फिर तू दोबारा क्रोल बाग आ जा और फिर तू जेट करा ले। अरे आपका दोस्त आ गया, हाय। तो भाई अभी इसके बाद इनको उतार के मैं जाऊंगा रानी बाग ऑटो गैलरी, वहां पे कराऊंगा जेट ब्लैक, 2-3 और काम है वहां पे, फटाफट कराते हैं, अलॉय डल गए हैं, फिर उसके बाद इतनी को देते हैं सरप्राइज। प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है, चेंज ये है कि भाई अभी जहाँ पे मैंने ऑटो गैलरी पे जाना था, भैया कह रहे हैं अभी फिल्में नहीं लग पाएगी, 6 बजे दुकान बंद हो जाती है, उनके वहाँ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन अब मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ तरन के पास, जो कि है तिलक नगर में, तरन ग्राफिक्स के नाम से, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि TNR वहीं से तैयार होती है, तो नंबर प्लेटें वगैरह सब वहीं से लग रही है, हो सके तो जेट ब्लैक भी वहीं से कराएंगे, नहीं तो जेट ब्लैक होगी कल, लेकिन अभी नंबर प्लेटें बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी नंबर प्लेटें बहुत खराब हैं, नंबर अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो नंबर प्लेट थोड़ी स्टाइलिश थोड़ी सेक्सी थी, और 2-3 स्टिकर्स तो बनते हैं यार, और अलॉय मैं कह रहा हूँ इतना खुश हूँ ना मैं आज कि भाई अलॉय, और मैं सबसे ज़्यादा खुश ये हूँ और देखने को बेताब हूँ कि भी इतनी का रिएक्शन क्या होता है कि जब वो अलॉय टायर 17 इंच अपनी होंडा में लगी हुई देखेगी, आप लोग क्या ऐसा रिएक्शन देते हो कि पहले गाड़ी कैसी थी और भाई ये क्या बना दी है आप लोगों ने, तो भाई ये रिएक्शन है और ये खुशी देखने के लिए मैं बड़ा बेचैन हूँ। तो यार सबसे पहले मैं बस पहुंचने वाला, और हार्डली 5 मिनट में मैं तरन के पास पहुंच जाऊँ, तो फटाफट वहाँ पे नंबर प्लेट का काम कराते हैं, ग्राफिक्स का काम कराते हैं, फिर चलते हैं अपना सीधा। फाइनली पहुंच चुके हैं तरन की दुकान पे, चालू हो, गड्डी तैयार है, सोने लग रही है, बहुत सोने लग रही है भाई, गाड़ी सभी कह रहे हैं बहुत लग रही है, अभी उसने गाड़ी नहीं देखी, गाड़ी बहुत सेक्सी लग रही है, नंबर प्लेटें करा ले, वो मेरे को कह रही थी कि एक इंस्टाग्राम का ना
मेरा पीछे हैंडल जरूर होना चाहिए, यूजर नेम उसका, तो वो भी पीछे लगवाते हैं। अभी इसका काम अपना जादू दिखाएगा फटाफट तरीके से। और भाई अभी तक इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो। आईडी क्या है भाई? ये आप यहाँ पे देख लो, ये भाई ऐसे ऐसे फोन निकलते हैं भाई। दुबई स्टाइल बना दे, दुबई स्टाइल यार अच्छी नंबर प्लेट लगनी चाहिए, लगे हाँ भाई गाड़ी निकली है भाई। और ये प्लॉटर है जहाँ पे नंबर कटता है भाई, ऐसे काम होता है यहाँ पे नंबर प्लेट का। फॉन्ट एक बार ही देखते हैं कौन सा बढ़िया है, दो चार भाई फॉन्ट निकालते हैं अभी अच्छे अच्छे से। बारिश आ रही है, स्टिकर लगने सकते हैं, नंबर प्लेटें लग सकती हैं, सिर्फ भाई कह रहा कल दोबारा आओ, फिर नंबर प्लेटें तो लग चुकी हैं, लेकिन स्टिकर जो है वो कल होंगी, फिल्में भी कल होंगी, यार बारिश आ गई, सारा काम खराब हो गया। तो कोई नहीं, अब सीधा चलते हैं घर भाई, आज का दिन बहुत ज्यादा हेटेक हो चुका है, गाड़ी आप लोगों ने अभी तक पूरी नहीं देखी तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, एक बार इसका रिएक्शन भी देखना था, देखते हैं अभी क्या बनता है ना। चलते हैं घर की तरफ, कुछ हो नहीं सकता, कल फिर आना पड़ेगा, क्या करें। तो इस ब्लॉग को भाई करते हैं यहीं पे एंड, जब तक गाड़ी तैयार नहीं होगी मैडम को गाड़ी नहीं दिखाएंगे, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और भाई के चैनल को कर देना सब्सक्राइब, यूनिक ग्राफिक्स बाय तरण, डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा या स्क्रीन पे आ रहा, फटाफट जाके भाई के चैनल करो सब्सक्राइब, बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशन आपको दिखेगी। और स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि इट्स कोरोना टाइम बेबी।